वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारे टॉपिक चल रहा था अंतःस्राव तंत्र, जिसके हमने पार्ट दो कंप्लीट कर लिए। आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट थर्ड। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निम्न में से किसे लिंग हार्मोन कहते हैं? देखो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा लिंग हार्मोन है। क्या गोनेडोकोर्टिकॉइड्स हैं, या मिनरलोकोर्टिकॉइड्स हैं, या ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स हैं, या इंसुलिन? तो इन चारों हार्मोन्स में से कौन सा हार्मोन लिंग हार्मोन कहलाता है? तो ये हो जाएगा गोनेडोकोर्टिकॉइड्स, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस हार्मोन के प्रभाव से मनुष्यों में जनन ग्रंथियों का परिपक्वन तथा परिवर्धन होता है? तो जो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसके प्रभाव के कारण मनुष्यों में जनन ग्रंथियों में परिपक्वन और परिवर्धन होता है, कौन सा होगा? क्या मिलेटोनिन होगा, या ग्लुकागोन होगा, या गोनेडोकोर्टिकॉइड्स होगा, या पैराथार्मोन होगा? तो जनन ग्रंथियों का परिपक्वन और परिवर्धन ये होता है गोनेडोकोर्टिकॉइड्स के प्रभाव के कारण, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गोनेडोकोर्टिकॉइड्स की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? देखो गोनेडोकोर्टिकॉइड्स हार्मोन्स की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है ये बताना है। क्या गठिया होगा, या एड्रिनल विलिजम होगा, या ऑस्टियोपोरोसिस होगा, या क्रिटिनिज्म होगा? तो गोनेडोकोर्टिकॉइड्स की अधिकता के कारण होने वाला रोग हो जाएगा एड्रिनल विलिजम, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड्रिनल विलिजम रोग के क्या लक्षण होते हैं? जो एड्रिनल विलिजम रोग है इसका क्या लक्षण है, लक्षण हमें बताने इसके। क्या स्त्रियों में आवाज भारी, दाढ़ी मूंछ आना तथा आवाज भारी होना, पुरुषों में आवाज पतली, दाढ़ी मूंछ न आना और लैंगिक परिपक्वता जल्दी होना, और उपरोक्त ध्वनि या नन ऑफ दीज? तो हमें बताना है कि जो एड्रिनल विलिजम रोग है उस रोग के प्रभाव के कारण रोग के लक्षण क्या है, रोग के लक्षण बताने हमें। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन है स्त्रियों में आवाज भारी और दाढ़ी मूंछ आना, बिल्कुल ये भी सही है, और पुरुषों में आवाज पतली, दाढ़ी मूंछ न आना और लैंगिक परिपक्वता जल्दी होना ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस ग्रंथि के हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं? हमें बताना है कि कौन सी ग्रंथि के हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। क्या एड्रिनल ग्रंथि के कहेंगे, या अग्नाशय ग्रंथि के, या थाइमस ग्रंथि के, या पीनियल काय के? तो किस ग्रंथि के हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि को शरीर से निकालने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? तो वो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसे व्यक्ति के शरीर से निकालने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? क्या वो पीयूष ग्रंथि है, या थायराइड ग्रंथि है, या अग्नाशय ग्रंथि है, या पीनियल ग्रंथि है? तो कौन सी ग्रंथि को निकालने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? तो ये हो जाएगा इसका ये एक ऑप्शन, ये हो जाएगा यहां पर अधिव्रक्क ग्रंथि, अधिव्रक्क ग्रंथि। तो हमें पूछा है कि कौन सी ग्रंथि को निकालने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, हो जाएगी अधिव्रक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह हार्मोन जो प्रतिरक्षी बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्रतिरक्षी बनाने के लिए उत्तरदायी है? क्या मिलेटोनिन हो जाएगा, या थाइमोसिन हो जाएगा, या इंसुलिन हो जाएगा, या पैराथार्मोन हो जाएगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वह हार्मोन है जो प्रतिरक्षी बनाने के लिए उत्तरदायी
होता है, तो ये हो जाएगा थाइमोसिन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीनियल काय कहां पर स्थित होती है, जो पीनियल काय ग्रंथि है वो कहां पर स्थित होती है, क्या ये हृदय के पास में होगी या यकृत के पास में या मस्तिष्क में या गले में, तो जो पीनियल काय होती है ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि जैविक घड़ी की तरह कार्य करती है, तो इनमें से कौन सी ग्रंथि है वो जैविक घड़ी की तरह कार्य करती है, क्या वो पीनियल काय है या पीयूष ग्रंथि है या एड्रिनल ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि, तो ये इसका हो जाएगा पीनियल काय, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन जननांगों के विकास परिवर्धन तथा कार्यों का निरोध करता है, कार्यों का निरोध करता है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है, क्या वो गोनेडोकोर्टिकॉइड्स है या टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है या मिलेटोनिन है, तो वो हो जाएगा गोनेडोकोर्टिकॉइड्स, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस हार्मोन की कमी के कारण जन्म से अंधे बच्चों में यौवनावस्था जल्दी आ जाती है, देखो किस हार्मोन की कमी के कारण जो जन्म से अंधे होते हैं बच्चे उनमें यौवनावस्था जल्दी आ जाती है, तो वो कौन सा हार्मोन है, क्या वो इंसुलिन है, क्या वो रिलैक्सिन है, क्या वो टेस्टोस्टेरोन है या वो मिलेटोनिन है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, मिलेटोनिन, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, देखो मिश्रित ग्रंथि का नाम बताना है हमें, क्या वो वृषण है या अग्नाशय ग्रंथि है या अंडाशय है या पीनियल काय है, तो जो मिश्रित ग्रंथि है उसका नाम बताना है, तो मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग को क्या कहते हैं, जो अग्नाशय ग्रंथि है उस अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग को क्या कहते हैं, क्या उसे लैग्रेंज द्वीप कहते हैं, क्या उसे अंतराली कोशिकाएं कहेंगे या उसे बेरेन द्वीप कहेंगे या उसे बोनिया द्वीप कहेंगे, तो जो अग्नाशय ग्रंथि है उसके अंतःस्रावी भाग को क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे लैग्रेंज द्वीप, इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन लैग्रेंज द्वीप से स्त्रावित होता है, देखो दिए गए हार्मोन्स में से हमें बताना है कि कौन सा हार्मोन लैग्रेंज द्वीप से स्त्रावित होता है, क्या इंसुलिन होगा या सोमेटोस्टेटिन होगा या ग्लुकागोन होगा या उपरोक्त सभी, तो लैग्रेंज द्वीप से स्त्रावित होने वाला हार्मोन हो जाएगा इंसुलिन, ये भी है सोमेटोस्टेटिन ये भी है और ग्लुकागोन ये भी है, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है, देखो हमें इंसुलिन हार्मोन का कार्य बताना है, फर्स्ट है ग्लूकोज के लिए पारगम्यता बढ़ाना, सेकंड है आधार उपापचयी दर बढ़ाना, थर्ड है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण बढ़ाना और फोर्थ है उपयुक्त सभी, तो इंसुलिन का कार्य बताना है, तो इंसुलिन का कार्य है ग्लूकोज के लिए पारगम्यता बढ़ाना, बिल्कुल सही, आधार उपापचयी दर बढ़ाना, बिल्कुल सही, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण बढ़ाना, बिल्कुल सही, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में इंसुलिन के अल्प स्त्रवण के कारण कौन सा रोग हो जाता है, मनुष्य है उसमें इंसुलिन का यदि अल्प स्त्रवण हो रहा है तो उसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, ये बताना है हमें, क्या उद्दत में होगा या मधुमेह होगा या गठिया होगा या गलगंड रोग हो जाएगा, तो इंसुलिन के अल्प स्त्रावण से होने वाला रोग हो जाएगा मधुमेह, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुमेह, देखो मधुमेह को डायबिटीज मेलाइटस रोग कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस रोग की अवस्था में क्या होता है, क्या रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है या रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है या श्वसन में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है या यकृत में ग्लाइकोजन अधिक हो जाता है, तो इसका हो जाएगा, ये हमें पूछा है इसने, डायबिटीज मेलाइटस जो रोग है उसकी अवस्था में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुधिर में इंसुलिन की कमी क्या कहलाएगी, देखो यदि रुधिर में इंसुलिन की कमी हो गई तो उसके कारण कमी को क्या कहेंगे, क्या उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे या हाइपरटेंशन कहेंगे या
हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। तो दिए गए ऑप्शन में से रुधिर में इंसुलिन की कमी से कमी हो जाएगी उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रुधिर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से हो जाता है, यदि रुधिर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, निम्न रक्तचाप या हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरटेंशन या हाइपरग्लाइसीमिया। तो रुधिर में यदि इंसुलिन की कमी हो गई तो कमी होने पर हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, यकृत में जमा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है, यकृत में ग्लाइकोजन जमा होता है उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है, क्या उसे इंसुलिन परिवर्तित करेगा या ग्लूकागन करेगा या सोमेटोस्टेटिन करेगा या मेलाटोनिन करेगा। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित जो करने का काम ग्लूकागन के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।